So, all right, guys, here is a small topic that we are going to discuss today. The topic is होम्योस्टेसिस, एंड हम इनिशियली जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर वो ये कि होम्योस्टेसिस पर्टिकुलर जो टर्म है इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और इस पर्टिकुलर टर्म से जो है वो जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स रिलेट किए जा रहे होते हैं वो किस तरह से किए जा रहे होते हैं। सही है। मैं बेसिकली आपके पास डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो इस टॉपिक को कवर अप करूंगा। होम्योस्टेसिस के अंदर मतलब हम इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर। होम्योस्टेसिस में हम एक थर्मो रेगुलेशन वाला पार्ट है, वो हमारी लर्निंग आउटकम्स में बाद में लिखा हुआ है, हम उसको पहले कवर करेंगे इसमें। एंड हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है इसके अंदर वो होता है स्किन से रिलेटेड। होम्योस्टेसिस जो कि स्किन से रिलेटेड हो रही होती है उसको हम लोगों ने कवर करना है इसके सेकेंड पार्ट में। लेट्स स्टार्ट विद द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। एज वी ऑल नो, होम्योस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस या रेगुलेशन है। मैं यहाँ पे देखो दो बातें मेंशन करूंगा। पहली बात ये कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर पे काम किया जा रहा होता है, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी के वाटर कंटेंट के यानी कि वाटर पोटेंशियल के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में यू आर एक्चुअली रिमूविंग आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल लेवल ऑफ द यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड एक मीडियम है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कंटेंट, एक स्पेसिफिक लेवल में, एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपके पास जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये जो हमारे पास जो ब्लड शुगर लेवल है ये भी बेसिकली होम्योस्टेसिस के थ्रू मेंटेन हो रहा है। लेकिन हाँ, आई वुड लाइक टू मेंशन ये कि आपके पास जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म होता है, ऑब्वियसली बात है कि वो अलग अलग पैरामीटर्स पे काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। जैसे कि अगर उसको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है या मेंटेन करना है, योर होम्योस्टेटिक सिस्टम विल ऑप्ट फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि वो उस सिस्टम की हेल्प लेगा जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं। आपने सुना होगा अबाउट इंसुलिन, यू नो अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हॉर्मोन व्हिच एक्चुअली लोअर्स डाउन योर ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन वो हॉर्मोन है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। अच्छा, यहाँ पर व्हाट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। इस बात को जरा बहुत अच्छी तरह से समझ लेना सबसे पहले कि तुम्हारे पास, लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल देते हैं कि अब ब्लड शुगर लेवल में कोई चेंज आ रहा है, ब्लड शुगर लेवल में क्या चेंज पॉसिबल है आना। आई विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और आई विल टॉक अबाउट द फीडबैक सिस्टम लेटर, बट फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। लेट सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ, यू ईट अ लॉट ऑफ केक, यू हैव अ लॉट ऑफ शुगर, यू गॉट अ लॉट ऑफ शुगर टू ईट, यू गॉट योर ब्लड शुगर लेवल रेस्ड। लेट्स जस्ट सपोज दिस, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। नाउ व्हाट योर बॉडी, हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, योर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होम्योस्टेसिस करता हुआ, यानी कि आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता हुआ, उस बढ़े हुए शुगर लेवल को वापस डिक्रीज करेगा। यहां पर दूसरा अपीयरेंस जो डेवलप होगा वो क्या है कि लेट सपोज आपकी बॉडी स्टार्वेशन कंडीशन में आ गई। यू वर फास्टिंग लाइक फॉर सपोज फॉर द पास्ट अराउंड 20-25 आवर्स। ओके, अचानक से जो है वो भूख की शिद्दत बहुत बढ़ गई, उस वक्त आपकी ब्लड शुगर लेवल चेक की जाएगी तो वो लो होगी। व्हाट योर बॉडी इज डूइंग टू मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल, वो एक और हार्मोन रिलीज करेगी, फीडबैक सिस्टम काम करेगा। फीडबैक सिस्टम इस दफा भी नेगेटिव होगा कि जो ब्लड शुगर लेवल आपका डिक्रीज हुआ हुआ है उसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है जी, यहां पर आपके पास ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल के हवाले से मैंने दो पैरामीटर्स डेवलप कर दिए। लेट सपोज द ब्लड शुगर लेवल, इफ द ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीजिंग
there are receptors in your body which receive this increase in blood sugar level as a stimulus and then they secrete insulin. मैंने यहाँ पर यही example दी हुई थी कि वो secrete करेंगे insulin, insulin secretion होगा जो कि basically इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपके पास आपकी बॉडी में इनटेक इंक्रीज होगा, सही है? यू इंक्रीज द इनटेक ऑफ ग्लूकोज विच इंक्रीजेस योर ब्लड शुगर लेवल, देन व्हाट? योर पैनक्रियाज रिसीव दिस पर्टिकुलर चेंज एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग इंसुलिन. तुम्हारे पैनक्रियाज ने इस चेंज को रिसीव किया एंड इट स्टार्ट सिक्रीटिंग अ हार्मोन, वो हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए काम करेगा. This purposeful hormone, insulin, will induce, ये करेगा क्या? ये blood में से sugar को उठाएगा, liver cell के अंदर भिजा देगा. Liver cell के अंदर भिजा कर वो उसकी long chain बना देगा. वो जब उसकी long chain develop करेगा, अच्छा, I was just talking about that increased blood sugar level. वो जब उसकी long चेन डेवलप करेगा तो वो लिवर से बाहर नहीं आ पाएगा. कंपोनेंट वो बना देगा ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन बाहर नहीं आ पाएगा, बाहर में जाएगा ग्लाइकोजन.